सो गाइस एक बार आप सभी को फिर से स्वागत है हैप्पी न्यू ईयर पार्ट टू में। दोस्तों इस स्क्रिप्ट में कुछ अलग सा कोडिंग बनाया हूँ, जो कि कोडिंग जो है कुछ अलग अलग देने वाला हूँ आपको। जो पार्ट वन में जो कोडिंग लगाया था सारे के सारे इसमें अलग है, इसका सीएसएस भी अलग है, इसका जो बैकग्राउंड सीएसएस जो है उसका स्टार के साथ लाइटिंग है जो स्टार से चलते चलते जा भाग रहा है ऊपर की ओर। इसका जो हैप्पी न्यू ईयर स्क्रिप्ट है काफी अलग दिखने वाला है। इसका स्क्रिप्ट में कोड आपको तीन तरह का लगाने वाला हूँ। कोड को मैं इस तरह जो एड का कोड होगा तो इस एड का कोड को मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छा सा एड कोड के बारे में बताऊंगा, जो उस एड कोड से आपको ज्यादा अर्निंग होगी। तो उस स्क्रिप्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो इसका लिंक डायरेक्ट मैं अपने वेबसाइट पर अपलोड करूंगा। पार्ट वन पे काफी ज्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है डाउनलोड करने की, जो कि मैंने उसको अलग सिस्टम पे अपलोड किए थे, इसलिए आप लोगों को डाउनलोड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं इस वीडियो को डायरेक्ट मैं अपने वेबसाइट पर अपलोड करूंगा। उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से आपको क्या सारी चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा वीडियो के अंदर। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ले चलते हैं। तो दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर जो पार्ट टू का जो कोडिंग है मेरा कुछ इस तरह का आपको दिखने को मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं बता दें कुछ एडिटिंग के लिए आप नहीं करें जो नोटिस दिया हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर आप कुछ भी छेड़खानी मत कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर लगाना है एड, ठीक है ना। मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर आपको देखने को मिले गूगल एडसेंस, ठीक है ना। यहाँ गूगल एडसेंस अगर है तो गूगल एडसेंस का कोड लगा दीजिए, फिर मैं दूसरे एड के बारे में बताऊँ जो गूगल एडसेंस का ही उससे थोड़ा सा लो क्वालिटी में है, गूगल से भी गूगल के बराबर नहीं होगा मगर उससे थोड़ा सा लो में आएगा, अच्छा क्वालिटी का जो एड का अर्निंग होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको नीचे आना है, और भी दो ऐड है यहाँ पर, एक है दो होगा और एक है तीसरा ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पर ये तीन ऐड लगाना है बस, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर थोड़ा सा खाली यहाँ पर चेंज करना है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन मार्क दिया हो गया है यहाँ पर, ये भाई ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ठीक है ना, आपके पास भी क्वेश्चन मार्क ही आ जाएगा। और उसके बाद आप जब एक बार एडिटिंग कर देंगे, एडिटिंग करने के बाद आपके वहाँ पर सेट करना, तो क्या लिखना है सारी चीज़ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए मैं नोट पास पर ओपन कर लेता हूँ नोट को, ठीक है ना। इस तरह से मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट, आपको जहाँ तक करना है उस तरह से आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह से मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉपी कर लिया हूँ, तो यहाँ सारी चीज़ मैं आपको सारी को यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है इसको, इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह सेलेक्ट करना है, इसको आपको ऊपर में पेस्ट कर देना, जो कि मेरा हिंदी में जो लिखा हुआ था वो लिख लिए। आप यहाँ इंग्लिश पे अगर लिख सकते हो, हिंदी पे भी जो भी आपका मर्जी हो उसी तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं सारी चीज़ मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फटाफट से। तो दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पर सारी चीज़ मैं लिख लिया हूँ, आपको देखने को मेरा सारे जितना मैं सारे देने का था मैं सारी चीज़ यहाँ पर लिख लिया हूँ, ठीक है ना। आप भी इस तरह से लिख लीजिएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक टाइप करके दे दूँगा कि क्या क्या चाहिए आपको, ठीक है ना, मैं सारी चीज़ दे दूँगा। इसके बाद दोस्तों सारी चीज़ हो जाने के बाद आपको और एक चीज़ यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, जो कि यहाँ नीचे सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा योर वेबसाइट, ठीक है ना। आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो कि है मैजिकल इंटरियर नेम एंड साइट मैजिक, ठीक है ना। यहाँ पर आपको अपना वेबसाइट देना है www.blogos.com, तो यहाँ पर अपना यूआरएल देना है। चलिए मैं दिखा देता हूँ जो मैं यहाँ पर दिया हूँ किस तरह से, इसको आपको यहाँ से कर देना है, इसको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना। बैक जाने पर मैं कर्म बजट को ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद मैं यहाँ से एक न्यू टैब को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ से ब्लॉगर्स को चला ओपन कर लेता हूँ, तो चलिए यहाँ पर लिख लेता हूँ www.blogos.com। चलिए मैं blogos.com को ओपन कर लिया हूँ, नेट काफ़ी स्लो चल रहा है। तो दोस्तों मैं ब्लॉगर्स को ओपन करने के बाद मैं यहाँ से एक न्यू टाइटल बना लेता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ से आपको यहाँ दिखने को मिल जाएगा न्यू ब्लॉग्स, यहाँ पर आपको न्यू ब्लॉग्स ओपन करना है, क्रिएट करना है, न्यू ब्लॉग्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर टाइटल दे दीजिए आप कुछ भी अपने हिसाब से, हैप्पी न्यू ईयर जो भी देना चाहते हैं आप, ठीक है ना। तो मैं दे देता हूँ हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर टू, तो मैं इस तरह से हैप्पी न्यू ईयर पार्ट टू दे दिया हूँ। फिर आपको नीचे भी देना है, ठीक है ना। इसी तरह से आपको अब ईमेल का एड्रेस भी बनाना है यहाँ पर, ठीक है ना, जो आपका ब्लॉग्स आईडी होगा तो यहाँ पर आपको देना है। चलिए मैं यहाँ पर ले देता हूँ, दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर पार्ट टू देने के बाद blogpost.com में यहाँ कुछ देख लेता हूँ कि यह मेरा आईडी सो हो रहा, तो मेरा आईडी सो हो गया है कि हैप्पी न्यू ईयर पार्ट टू blogpost.com, ठीक है ना। उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है कि थीम्स, चलिए मैं यहाँ से थीम्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
आप कुछ भी सिम सेलेक्ट कर लीजिए अपनी मर्जी से, कोई बात नहीं, यहाँ से कुछ भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे देखने करेक्ट ब्लॉक के ऊपर क्लिक करना है नीचे, ठीक है ना। जैसे आप करेक्ट ब्लॉक के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का थोड़ा सा, नेट स्लो चल रहा है यार बहुत ज़्यादा। उसके बाद आपको जो मेरा ब्लॉग हो चुका है तैयार होने के बाद अपने इसको कर देता हूँ कट, ठीक है ना। कट ना वेबसाइट पे चले जाना, जो अपना ब्लॉग उसको ओपन कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अपना व्यू ब्लॉग को ओपन कर लीजिएगा इस तरह से। तो सॉरी मेरा जो अभी कुछ इस तरह से दिखने को मिला तो मैं इसको कर देता हूँ। इसको आपको यहाँ से कर देना इस तरह कॉपी के आइकन पर क्लिक, ठीक है ना। जैसे आप टाइटल के ऊपर क्लिक किया जाते हैं आपको कॉपी का ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पर आप इसको कर लीजिए कॉपी। कॉपी करने के बाद उससे जो मेरा URL हो चुका है कॉपी, कॉपी होने के बाद आपको नीचे आना सबसे, तो उसको कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट करना, ठीक है ना। www.blogos.com जहाँ पर लिखा हुआ, तो ये मेरा ये दिया हुआ था। चलिए मैं इसको यहाँ से इस तरह सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। स्टार तक, स्टार के पहले आप रहने दीजिए, ठीक है ना। इस तरह जब भी स्टार रहने दीजिए, इधर भी स्टार रहने दीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको कॉपी सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको जो जिसको अभी कॉपी किया है ना, तो उसको यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। देखिए इस तरह से आपको पेस्ट कर देना है happynewyearblogpost.com.in यहाँ तक। इस तरह से आपको पूरा रहने दीजिएगा पूरा, ठीक है ना। और उसके बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। देखिए मैं इस तरह से कर लेता हूँ इसको सेलेक्ट ऑल, ठीक है ना। सेलेक्ट ऑल करने के बाद मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी। अब कॉपी करने के बाद मैं चला जाता हूँ दोस्तों, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। इस तरह से कॉपी करने के बाद मैं चला जाता हूँ अपने ब्लॉगर्स अकाउंट पर, ठीक है ना। चलिए मैं ब्लॉगर्स को ओपन कर लेता हूँ फिर से। ब्लॉगर्स पे आने के बाद मैं जो कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी देख के रखा हूँ, ठीक है ना। तो मैं ब्लॉगर्स पे आने के बाद मैं यहाँ से चला जाता हूँ थीम्स के ऊपर, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसके ऊपर थीम्स के ऊपर आता हूँ यहाँ से। इस तरह से आपको थीम्स के ऊपर क्लिक करना है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। और जितना भी मेरा यहाँ थीम्स है सारे के सारे को मैं कर देता हूँ रिमूव, ठीक है ना। रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ उसको पेस्ट। इस तरह से पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ब्लू लिखा हुआ मिलेगा, तो उसको कर देना नीचे पे ऑफ, ठीक है ना। ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद आपको यहाँ पर सेव थीम्स के ऊपर आपको कर देना प्रेस। चलिए मैं इसके ऊपर कर देता हूँ प्रेस। जैसे मेरा हो चुका है सेव, सेव होने के बाद मैं चला जाता हूँ अपने व्यू ब्लॉक पर, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ अपने व्यू ब्लॉक पर। जैसे मैं व्यू ब्लॉक के ऊपर प्रेस करता हूँ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिला। हैप्पी न्यू ईयर 2022 जो कि यहाँ ब्लॉग पोस्ट देखने को मिल रहा था। यहाँ पर मैं अपना इंटरव्यू नेम, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अमर, ठीक है ना। तो इस तरह मैं अमर देखने के बाद मैं यहाँ कर देता हूँ ओके। जैसे ओके कर देता हूँ यहाँ पर मेरा जो इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल रहा है। देखिए आपको सारे चीज़ देखने को मिल रहा है। हैप्पी न्यू ईयर का जो एसिंग स्क्रिप्ट है पूरा तरह से ओपन हो चुका है। यहाँ पर वॉच और वॉचिंग के साथ टाइमिंग भी, उसका जो शायरी मैं नोट किया हूँ, तो उसका इस शायरी को आपको चेंज करना चाहे तो चेंज भी हो सकता है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दिया हूँ, जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए, अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, विश कीजिए अपनी ईयर का। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले अलर्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो दोस्तों इसको शेयर कैसे कीजिए, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शेयर विद ऑन व्हाट्सअप, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आपको कर देना प्रेस। जैसे आप शेयर ऑन व्हाट्सअप पर क्लिक कीजिएगा तो चले जाएंगे आपको व्हाट्सअप पे ले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए मैं दिखा देता हूँ व्हाट्सअप पे। जैसे आप जाएगा तो कुछ इस तरह इंटरेस्ट पे दिखने को, आप किसी को भी व्हाट्सअप पे शेयर कर सकते हो। तो चलिए मैं किसी को भी शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखने को मिला शेयर दिखने को मिल रहा है, जो कि मैं यह लिंक आ चुका है यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ शेयर। तो जैसे मैं यहाँ से शेयर कर दिया, तो शेयर करने के बाद जैसे ही उसको ओपन करेगा यहाँ से, तो मेरा ब्लॉग पोस्ट ओपन हो जाए। चलिए मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो आप जो भी सही वो अपना नाम ले लेगा, कुछ भी नाम ले लेगा, जैसे ही मैं मान लीजिए, तो उसका नाम उस तरह से खुल जाएगा। देखिए आपको दिखने को मिलेगा इस तरह से, ठीक है ना। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।